समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ संध्या। आइए नजर डालते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद की राजनीति का प्रमुख महिला चेहरा नुपुर शर्मा अखिल भारतीय हिंदू महासभा के साथ आएंगी। इस दौरान नुपुर शर्मा का दिनेश शर्मा ने किया स्वागत। इस दौरान दिनेश शर्मा का कहना था कि नुपुर शर्मा के हिंदू महासभा में आने से संगठन को मिलेगी मजबूती। कपूर शर्मा शुरुआती दौर से समाज सेविका के रूप में जानी जाती हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा से वार्ता करते हुए कृष्ण गुप्ता, आज हिंदुत्व की योद्धा हिंदुत्व की प्रखर चेहरा नूपुर शर्मा जी से मुलाकात हुई और हमने उनसे अनुरोध किया कि आप श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास में जुड़ें और जुड़ करके भगवान श्री कृष्ण मंदिर मथुरा से ईदगाह को हटाने वाली इस लड़ाई में, इस मुहिम में अपना योगदान करें। नूपुर शर्मा जी हिंदुत्व का प्रखर चेहरा है। उन्होंने हमसे वायदा किया है कि आपके संघर्ष न्यास में, श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई में हम जरूर सहयोग करेंगे और अपना समय देंगे। नूपुर शर्मा जी सनातनी हिंदुओं की, हिंदुत्व की प्रखर चेहरा हैं। आपके जुड़ने से श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास में जितने भी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, सभी ने खुशी जाहिर की है और मथुरा वृंदावन हरिद्वार के जितने भी साधु संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, सभी को बहुत खुशी हुई है। नूपुर शर्मा जी के साथ मिलकर के हम सभी सनातनी हिंदू इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की तरफ से माननीय न्यायालय मथुरा में बात संख्या 174/2021 चल रहा था। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास और कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित जितने भी मुकदमे हैं सभी माननीय उच्च न्यायालय में चालू होंगे, उच्च न्यायालय में चलेंगे और सभी लोग मिलकर के उच्च न्यायालय जाएंगे और हम तो नंगे पैर ही जाएंगे उच्च न्यायालय, क्योंकि हमारा संकल्प है जब तक माननीय न्यायालय के द्वारा हम इस औरंगजेब की निशानी ईदगाह बिल्डिंग को मथुरा कृष्णभूमि मंदिर से हटाने देंगे तब तक नंगे पैर ही रहेंगे, नंगे पैर ही जाएंगे। संपूर्ण भारत में कहीं भी जाना होगा तो हम बिना जूता चप्पल पहने हुए ही वहां पर पहुंचेंगे और इस लड़ाई को जारी रखेंगे।